हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, मेरा बेबी अभी भी सोया हुआ है। एंड आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा कोजी है, तो मैंने सोचा था आज बेबी भी सोया है तो मैं सुबह सुबह ही थोड़ा स्किन केयर कर लूँ। तो एक्चुअली स्किन केयर मतलब क्या होता है ना, इतना कुछ हेवी नहीं करती हूँ। जब से मेरी डिलीवरी हुई है मैं मोस्टली क्लिंजर और स्क्रबिंग करती हूँ। और ये देखिए मेरे बाल इतने झड़ रहे, इतने झड़ रहे। इट्स लाइक कि लाइक या बेबी प्रेगनेंसी का ये पूरा आफ्टर प्रेगनेंसी वाला जो हेयर फॉल होता है ये वो है। मैंने डॉक्टर को भी 2-3 बार पूछा है। डॉक्टर बोले पूजा ये होता ही है सबको, ये थोड़े दिन तक चलेगा, उसके बाद न्यू ग्रोथ आ जाएगी। तो आज सुबह का मेरा प्लान था, आज पूरा दिन मेरा अच्छा प्लान सेट किया मैंने, बट जस्ट लाइक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बिकॉज जब से बेबी हुआ है तब से मुझे सच में जो भी मैं प्लान करती हूँ ना उस तरीके से कुछ भी नहीं होता है, बट जब तक वो सोया होता है ना तब तक सारा प्लान के मुताबिक चलता है। एक बार बच्चा उड़ जाए ना तो भाई साहब कुछ भी टाइम पे नहीं होता है। मेरा आधा टाइम तो उसके साथ खेलने में चला जाता है और उसको सुलाने में, उसको फीड करने में। एनीवेज ये सबका होता है, ऐसा कुछ नहीं है ये कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू द रूटीन। बट अभी मैं ब्रश करके स्किन केयर करूँगी। मैं आजकल ज़्यादा कुछ स्किन केयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज डॉक्टर ने बोला है कि अभी बेबी 4 महीने का ही है तो आप कुछ भी ना करो, या फिर आप हार्म ऐसे बेबी को कुछ हार्म करें ऐसे प्रोडक्ट मत यूज़ करो। बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स में एसिड होते हैं, लाइक जैसे कि अभी AHA BHA होता है सीरम, वो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। यहाँ पे मैं ममा अर्थ का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ एंड मैं मोस्टली अभी ममा अर्थ का सनस्क्रीन, मतलब मोस्टली ममा अर्थ के ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज वो हार्म नहीं करते, ना ही ममा को ना ही बेबी को। बट मैंने ना प्रेगनेंसी के बाद एक नोटिस किया है कि मेरी स्किन सच में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग हो गई है। लाइक पहले बहुत अच्छी थी, लाइक अब देखोगे ना प्रेगनेंसी में आपकी स्किन इतनी प्यारी होती है, एंड जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म मेरी डिलीवरी हो गई मेरी स्किन, यहाँ पे मैं प्लम का टोनर यूज़ कर रही हूँ बताऊँ। हाँ तो मैं बता रही थी कि मेरी स्किन अभी अभी थोड़ी सी रिकवर हो रही है धीरे धीरे, बट होपफुली डॉक्टर को मैंने पूछा, डॉक्टर बोले धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा पूजा, डोंट वरी। हाय, सो द वियर्डेस्ट थिंग हैपन विथ मी यस्टरडे नाइट। नो, मुझे ना कुछ ऐसे लाइक मेरे बोन्स पेन हो रहे थे, मेरे जॉइंट्स पेन हो रहे थे 2-3 दिन से, तो आई जस्ट गूगल इट, यू नो एवरी वन डज। कि मैंने कल रात को जस्ट नॉर्मली गूगल किया कि व्हाई माय ऑल जॉइंट्स आर पेनिंग, सो दे गिव मी सो मच वर्बल रिजल्ट। और वो जो मैंने पढ़ा उसके बाद तो मुझे नींद ही नहीं आई रात भर, एंड अभी भी सुबह मैं 5 बजे से जगी हूँ कि वो उसके ये तो नहीं हो गया होगा, वो तो नहीं हो गया होगा, ऐसे ऐसे कुछ बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तो आई जस्ट डिसाइडेड टू डू माई ब्लड टेस्ट नाउ एंड And the second thing, I just call. अभी 7 o'clock हो रहा है AM 7 AM। I just call my doctor and ask him कि सर ऐसे से हो रहा है तो should I do any blood test? Or he said no Pooja, it's just a normal like होता है after delivery, you feel lost, you feel exhausted and all blah blah blah. I said sir, it's a 5 month now, I'm delivered my baby. But he said no, it's okay, fine, it's happened till 6 months, like you feel exhausted. I said okay,
बट फिर भी मेरी बकचोदी देखो, मैंने ब्लड टेस्ट लैब को फ़ोन किया और मैंने उनको बुलाया कि प्लीज़ फास्टिंग का ब्लड लेने के लिए आ जाओ, मुझे टेस्ट कर। यहाँ पे सुबह से बहुत ही अच्छा कोजी वेदर हो चुका था और मुझे आज मैं रोज़ की तरह हमेशा की तरह ये जो मैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बट हमारे यहाँ पे इसको गवती चहा बोलते हैं मराठी में, एंड वो मैं लेने गई थी। एवरी डे जब भी मैं मायके आती हूँ मैं एवरी डे इसकी ही चाय पीती हूँ, मुझे इसकी चाय की स्मेल बहुत ही पसंद है। बट मैं ये गोवा में रोज़ मिस करती हूँ, बट फिर भी मेरी सूरज की मोम जिससे कि मेरी मदर इन लॉ वो कहीं कहीं से लेके आती है तो मैं कभी कभी उसकी चाय पी लेती हूँ। बट एनीवेज मुझे ज़्यादा पसंद है स्पेशली यहाँ की ही है। बट एनीवेज आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे उसको क्या बोलते होंगे बट हमारे यहाँ पे उसको गवती चाय बोलते हैं। ठीक है, सो अभी मैं चाय बना रही हूँ मेरी और मामा की, और मामा ने मुझे आके बताया था कि आज सबके लिए मटकी बनानी है, तो मैंने बोला यार मम्मी मुझे भी स्प्राउट्स खाने हैं, सिर्फ स्प्राउट्स खाने हैं। तो मामा बोली नहीं बहुत कम है, तो उसमें से तुम कुछ आधा कर लोगी तो बाकियों को नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, मैं सबके लिए एक ही बना देती हूँ फिर। तो मैं सबके लिए एक ही बना रही थी, सब ब्रेकफास्ट में खाएंगे, तो अभी मैं उसकी ही तैयारी कर रही थी। तो मैं अभी तैयारी करके, मतलब तैयारी क्या, मुझे तो सारा कुछ कट के मेरे भाई ने दिया था, तब तक मैं चाय ले रही थी तो उसने सब मुझे कटिंग करके दिया था। यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा तेल ज़्यादा गिर गया है बट चलो कोई नहीं, मैंने राई डाल दी है और हमेशा की तरह जीरा मैंने डाला नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे सच में पता नहीं क्यों जीरा मुझे भी पसंद नहीं और सूरज को भी पसंद नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड उनको भी पसंद नहीं है, वो भी नहीं इतना पसंद से खाते, तो मैं भी नहीं डालती हूँ। एनीवेज ठीक है, एक बार तो मेरे ना पसंद होनी चाहिए किसी में तो भी। एनीवेज तो ये सब कट करके उन्होंने दे दिया था और मम्मी ने मुझे बोला था कि मतलब थोड़ा सा, थोड़ी सी प्याज ज़्यादा हो गया है तो सब्ज़ी के लिए निकाल लो। तो मैंने थोड़ा सा जो सब्ज़ी करनी, मुझे नहीं पता कौन सी सब्ज़ी बनाने वाली है मम्मा और अभी तक मुझे भी नहीं बताया था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल के रखा है साइड में, तो मुझे नहीं पता था बट बाद में सब ने वो प्याज, मुझे बहुत पसंद है स्पेशली मटकी की प्लेट उस पे सेव और उसके ऊपर से प्याज और थोड़ा सा धनिया डाल के, ओ माय गॉड क्या ही लगेगा पता है। और ये पता है यहाँ पे मोस्टली मेरे घर पे कुकर में करते हैं मम्मी, कुकर में सब डाल के मटकी उटकी डाल के दो सीटियाँ लेके मटकी बनाती है, बट इस बार मैंने ऐसे ओपन में मटकी बनाई जो मेरे घर पे जो हमेशा मैं बनाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्याज डाला है, लहसुन डाला है और मिर्च डाली है, हरी मिर्च मैंने चार मिर्च कट की थी वो मैंने डाली है क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है, तो मैंने छोटी छोटी मिर्ची चार कट करके डाली है। और ये यहाँ पे आपको भून लेना है, बहुत ही अच्छे से भून लेना है, और इसमें टोमेटो, ये मैंने प्याज इसमें टोमेटो इसलिए नहीं डाला क्योंकि टोमेटो बहुत जल्दी भून हो जाता है और जल्दी पक जाता है, तो प्याज पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, प्याज जब थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए उसके बाद ही आप टोमेटो डालना, नहीं तो टोमेटो और ये सब कुछ एक जैसे ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला एक साथ। सी यहाँ पे मेरी मिर्च भी अच्छे से हो गई है और प्याज भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया, अभी मैं इसमें टोमेटो डाल दूंगी।
इसमें बताया मैं ऐसे, आप पूछोगे ना मुझे कि आप ऐसे क्यों करते हो, मतलब सब पहले ही एक साथ क्यों डाल दिया। वो इसलिए डाला था क्योंकि मिर्च थोड़ी सी अगर हो जाए, मतलब ऑयल में क्रिस्पी हो जाए ना, तो इतना तीखा नहीं लगता है। और अभी भी मैंने कड़ी पत्ता डाला है टोमेटो के साथ, वो इसलिए डाला है क्योंकि वो जल ना जाए। क्योंकि जब भी मैं मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, जब भी मैं प्याज के साथ कड़ी पत्ता डाल देती हूँ ना, तो वो जल जाता है या फिर उसका पता नहीं फ्लेवर नहीं आता है। और मैंने अभी ये इसलिए डाला, अभी मैं इसको एक ढक्कन रख के दोनों भी प्याज का और टोमेटो का और कड़ी पत्ते का स्मेल आ जाएगा जब आप इसको थोड़ा सा ढक्कन रख के अच्छे से पकने दोगे। उसके बाद ही आपको जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी जो कि मैंने ऑलरेडी, मतलब आधा तो सब्ज़ी भुन गई है। अभी जो डालूँगी मैं वो धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी। इतने ही 3 इंग्रेडिएंट्स काफ़ी है इसके लिए। देखो आप, इसकी स्मेल तो भाई साहब इतनी अच्छी आ रही थी, मतलब सब कुछ अच्छे से पक जाए ना तो, और उसकी जो स्मेल आती है वो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और एक्साइटिंग लगता है कि वो कितना अच्छा बनेगा। तो अभी ये प्रोसेस में है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा जो मटकी मैंने पानी में भिगो के रखी थी, यहाँ पे साइड में रखी थी, पानी में भिगो के रखी थी, वो आप मैं इसमें डाल दूँगी। मुझे ना ऐसी वाली मटकी पसंद है जो अक्खी पूरी वाली होती है ना, जिसको ऐसे मोड़ नहीं आया होता है, वो वाली मटकी मुझे इतनी पसंद नहीं आती है जितनी मुझे ये पसंद आती है। पता नहीं क्यों, बट मम्मी भी बोलती है ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो भिगो के रखते हैं, फिर पानी निकाल के रखते हैं पूरी रात, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। और जो सिर्फ उसके ऊपर कवर होता है वो वाली मटकी मुझे सच में नहीं पसंद। पता नहीं किस किस को किसको नहीं पसंद, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आप कैसे बनाते हैं, आपके यहाँ पे कैसे बनाते हैं, प्लीज़ मुझे बताना। और ये भी अगर प्रोसेस अब किसी को, एक एक इंसान को भी अगर ये अच्छा लगे हो ना, तो बस मेरा आपको ये दिखाने का जो मैं करती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ, ये दिखाने का मकसद पूरा हो जाएगा। यस, और अगर जो भी देख रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि ये आपको कैसी लगी, और आप भी बनाना, और आप जैसे बनाते हो प्लीज़ मुझे बताना कि आप कैसे बनाते हैं। देखो इसमें 2 ऑप्शंस है, आपको अगर पानी भी डालना है, आपको थोड़ी ग्रेविश टाइप बनानी है, तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो। बट मुझे ग्रेविश नहीं बनानी है, ऊपर से मुझे थोड़ा सा सेम डाल के खाने हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही, जितना वो हो जाए, जिसमें वो बुन जाए, उतना ही पानी डालूंगी। बट वो स्टीम पे हो जाती है मोस्ट प्रोबेबली, बट मैं वो नीचे लगे ना, मतलब नीचे से न लग ना जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। आप आपकी क्वांटिटी देख के पानी डालना। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो फिर आप 1 और 1.5 ग्लास ऑलमोस्ट डाल ही सकते हो पानी, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं मोस्टली आपको यही बताऊंगी कि आप ऐसे ही बना के खा के देखो, सेव डाल के और नींबू निचोड़ के, आपको डैम श्योर बहुत पसंद आएगी। और मैंने यहाँ पे नमक डाला था, मेरे हाथ को हमेशा नमक कम ही होता है और मैं कम ही नमक खाती हूँ, सॉरी। बट एक चीज़ और बतानी थी। अब आप पूछोगे मैं जहाँ पे, यहाँ पे अदरक जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हमारे यहाँ पे अदरक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा फ्लेवर आए तो ऊपर से इसलिए डाल रही हूँ कि वो अदरक का एक 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 फ्लेवर आता है। देखो आखिरी आखिरी में एक फ्लेवर आता है, तो वो जब हम स्टीम के लिए रख देते हैं ना, उसके पहले अदरक थोड़ा सा डाल दे, ऊपर से डाल दे स्प्रिंग करके, तो वाह बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार आप देखना, और बस आप ऐसे थोड़ा स्टीम होने के बाद सर्व कर लो प्लेट में, ऊपर से सेव डालो, चिवड़ा डालो, कुछ
कुछ भी डालो, बस नींबू निचोड़ना मत भूलना। होप आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी, प्लीज लेट मी नो गाइस। यस, और जो हम इसके बाद में आफ्टरनून में मेरे बेबी के ईयर पियर्सिंग को गई थी, ये मोस्ट पेनफुल थिंग थी मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए, बट उसमें वो उसके बाद बहुत रोया था, तो मुझे उसको संभालते संभालते ही टाइम चला गया। और रात को पता नहीं सडन मेरे हाथ में इतना पेन होने लग गया था, तो भाई ने मुझे यहाँ पे क्रीम और ऑइंटमेंट लगा दे रहा था, और यहाँ पे देखो इनसे ज़्यादा को तो सोना ही नहीं है। मैं इसको पता है एक घंटे से ट्राई करी हूँ कि अभी सो जा तब सो जा, रात के 10:30 बज गए थे, फिर भी मेरा बेबी नहीं सो रहा था। चलो इसके साथ ही मैं मेरा व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।